ओबस्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से आयोजित 35वीं प्रादेशिक वार्षिक गायनी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन शनिवार को 4 सत्र आयोजित किए गए। इस दौरान वरिष्ठ चिकित्सकों ने गर्भावस्था के जटिलताओं के संबंध में अहम जानकारी दी। बता दें कि 35वीं प्रादेशिक वार्षिक गायनी कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम की शुरुआत पद्मश्री डॉक्टर उषा शर्मा ने की। इस मौके पर बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर लता अग्रवाल, सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर मृदुला शर्मा, आयोजन सचिव डॉक्टर प्रगति अग्रवाल, डॉक्टर रश्मि शर्मा, डॉक्टर नीरा अग्रवाल, डॉक्टर भारती सरन, डॉक्टर गायत्री सिंह, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल अग्रवाल, डॉक्टर मोनिका वार्ष्णेय, डॉक्टर संध्या गंगवार, डॉक्टर भारती महेश्वरी आदि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने महिलाओं के गर्भाधान से जुड़ी समस्याओं और बीमारियों को लेकर जानकारी दी और उसके निदान पाने के साथ उचित इलाज के बारे में बताया। कार्यक्रम में आयोजन सचिव डॉक्टर लतिका अग्रवाल ने पहले सत्र में एंडोमेट्रियोसिस के संबंध में जानकारी दी। इसके अलावा वरिष्ठ डॉक्टर अलका कृपलानी ने एंडोमेट्रियोसिस बीमारी के बचाव को लेकर सुझाव दिए। वहीं दूसरे सत्र में डॉक्टर आवा मजूमदार ने बांझपन में अंडे न बनना, ट्यूब का बंद होना, शुक्राणुओं की कमी आदि के इलाज के बारे में बताया। इसके बाद मुंबई से आए डॉक्टर अमित पटकी, डॉक्टर शिखा सेठ, डॉक्टर स्नेहा आदि ने गर्भधारण न होने पर महिलाओं में कमी होने की बात पर अपने अनुभव साझा किए। साथ ही सचिव डॉक्टर लतिका अग्रवाल ने बताया कि गर्भधारण न होने पर महिलाओं को जिम्मेदार मानना गलत है, पुरुष भी उतने ही जिम्मेदार हैं। इसके अलावा मेरठ से आई पद्मश्री डॉक्टर उषा शर्मा ने मातृ शिशु मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार की जानकारी दी। और बरेली ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर मृदुला शर्मा ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि इलाज के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी होने पर तुरंत परिजन डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा देते हैं, जबकि डॉक्टर पूरी कर्मठता से अपने मरीज का इलाज करता है और कोई डॉक्टर कभी नहीं चाहता किसी मरीज के साथ किसी प्रकार की अनहोनी हो। इसलिए जिस डॉक्टर का चुनाव आपने किया है उस पर विश्वास करना जरूरी है। वहीं दिल्ली से आई वरिष्ठ आईबीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर शिवानी सचदेव ने सरोगेसी और सरोगेसी एक्ट में संशोधन करने के बाद खरीद फरोख्त पर लगी लगाम के बारे में जानकारी साझा की। बड़ा हो जाता है, खराब होने लगता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या करना है, कैसे डायग्नोज होना है, क्या इलाज करना है, डिस्कस करें। डॉक्टर भारती महेश्वरी, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर, यूपी चैप्टर ऑफ होम्स एंड गायनी का ये जो 35वां कॉन्फ्रेंस हो रहा है जो बरेली में आयोजित किया जा रहा है, मैं यूपी सीओडी एसोसिएशन की सेक्रेटरी हूँ और हमें बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हम हर साल यूपी चैप्टर का एक कॉन्फ्रेंस हर डिफरेंट डिफरेंट जगह करते हैं। पिछली बार ये लखनऊ हुआ था, इस बार बरेली में आयोजित हुआ। 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में 6 वर्कशॉप रखे गए हैं जिसमें कि फीटल मेडिसिन और फर्टिलिटी और पीपीएच और एंडोस्कोपी से रिलेटेड लाइफ केसेस की वर्कशॉप रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर लता अग्रवाल के अंदर में, और यहाँ पे डॉक्टर नीरा अग्रवाल, डॉक्टर लतिका अग्रवाल, डॉक्टर मृदुला और डॉक्टर प्रगति सबकी सहयोग से, पूरी बरेली के सभी डॉक्टरों के सहयोग से ये कार्यशाला का आयोजन हुआ। और 2 दिन में इसमें जैसे डॉक्टर अलका कृपलानी, डॉक्टर उषा शर्मा दिल्ली से, एम्स से, रुहेलखंड से, सब जगह से विशेषज्ञ आ रहे हैं और जो कि बहुत ही अच्छे लेक्चर्स दे रहे हैं जो कि हमारे वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड हैं कि किस तरह से महिलाओं का प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन का इलाज किया जाए, किस तरह से कॉम्प्लिकेशन को अल्ट्रासाउंड से जल्दी डायग्नोज किया जाए, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा हो रही है जिसमें कि हमारी पास्ट प्रेजिडेंट फॉक्सी डॉक्टर अलका कृपलानी आई हैं, जिसमें कि डॉक्टर आबा मजुमदार है और हमारे हिसार के प्रेसिडेंट डॉक्टर अमित पाठी और डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा जैसे बड़े ही विश्व स्तर के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एकेडमिक इवेंट है और हम विश करते हैं कि सभी डॉक्टर इससे बहुत ज्ञान प्राप्त करें और करीब 150 बच्चे अपने पेपर, पोस्टर, रिसर्च पेपर सब कुछ हो रहा है। तो बरेली में होने वाला एक बहुत ही अच्छा एकेडमिक इवेंट है और यूपी चैप्टर ऑफ ऑप्शन गायनी के लिए भी एक बहुत अच्छे उच्च स्तर का प्रोग्राम है। मैं डॉक्टर उषा शर्मा, मैं मेरठ मेडिकल कॉलेज में 37 साल रही, 17 साल मैं वहाँ पर प्रिंसिपल रही और इस यूपी चैप्टर जिसकी 35वीं वर्षगांठ बरेली द्वारा मनाई जा रही है उसकी मैं चीफ पेट्रन। इस यूपी चैप्टर को 1986 में मैंने ही शुरू किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हमारे जूनियर गायनेकोलॉजिस्ट को
जब वो ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंसेज में जाती हैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिससे वो सीख सकें और अपनी बातें सबको कह सकें। इस उद्देश्य से ही ये चैप्टर मैंने शुरू किया था और मुझे बहुत गर्व है कि ईश्वर की दया से और सभी गायनेकोलॉजिस्ट के सपोर्ट से ये चैप्टर दिन दूनी रात चौगना पड़ा है और आज इसके 3,000 मेंबर्स हैं। और बरेली ने जो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी है उसके लिए मैं डॉक्टर नीरा अग्रवाल, डॉक्टर लतिका अग्रवाल, डॉक्टर लता अग्रवाल, मृदुला शर्मा, प्रगति अग्रवाल, उन सबकी बहुत सराहना करूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा साइंटिफिक सेशन बनाया है जो सभी डॉक्टर्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है और उसी के बारे में हम लोगों ने अपने भिन्न भिन्न टॉपिक्स रख के उसके विचार रखे हैं कि किस प्रकार से हम मैटरनल मोर्टिलिटी और इन्फेंट मोर्टिलिटी को कम ला सकते हैं। हालांकि हमारे हिंदुस्तान ने काफ़ी प्रगति करी है और पहले से काफ़ी कम ये मृत्यु दरें हुई हैं, परंतु इसमें और बहुत कुछ चाहिए और इसीलिए चीफ पेट्रन इसी चैप्टर होने के नाते मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारे सभी गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियंस इस उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे कि हमें हर स्त्री के हेल्थ स्टेटस को और उनके एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना है और इसी प्रकार से हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि हम सबको इसमें सफलता प्रदान करें और हम अपने हिंदुस्तान की औरतों और बच्चों की रक्षा करें।